कई बार कुछ ऐसे लोगों को भी देखा गया है जो हवाई जहाज का इस्तेमाल गैर कानूनी कामों के लिए करते हैं। ऐसे कई लोगों को हवाई अड्डे पर चेकिंग करने के दौरान पकड़ा भी जाता है। मौजूदा खबर अनुसार बता दें कि एयरपोर्ट में लगी चेकिंग मशीन में लगे एक्सरे मशीनों के एक्सरे में कई ऐसी चीजें भी रिकॉर्ड हो जाती हैं जिन्हें देखकर कोई भी चौंक जाए। कई बार तो चेकिंग करने के दौरान सुरक्षा कर्मियों को कुछ लोगों के पास से ऐसी ऐसी वस्तुएं हाथ लगती हैं जिन्हें देखने के बाद खुद सुरक्षा कर्मियों के होश उड़ जाते हैं। कभी कोई व्यक्ति डेथ बॉडी को ले जाते हुए पकड़ा जाता है, तो कोई जानवरों की तस्करी करते हुए पकड़ा जाता है। और दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिनको कुछ ऐसी अजीबोगरीब तस्करी करते हुए पकड़ा गया, जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। लेकिन दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नंबर वन, ये बात साल 2010 लिवरपूल एयरपोर्ट की है, जब एक डेड बॉडी स्मगलिंग करने की घटना सामने आई। दो महिलाएं अपने एक रिश्तेदार को व्हीलचेयर पर बैठाकर सिक्योरिटी चेक से ले जा रही थीं, और उस आदमी का सिर एक तरफ झुका हुआ था और उसने चश्मा और टोपी पहनी हुई थी। जिसके बाद कस्टम अधिकारियों को उस पर शक हुआ और उन्होंने इस आदमी से बात करने की कोशिश की। लेकिन जब उन्होंने इस आदमी से बात करने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि वो आदमी मर चुका है। जिसके बाद उन दोनों महिलाओं को डेड बॉडी स्मगल करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। नंबर टू, दोस्तों 2010 में एक महिला के बैग से एक टाइगर का 2 महीने का बच्चा मिला जो आराम से बैग में सो रहा था। लेकिन दोस्तों, अंत में उस टाइगर को रेस्क्यू कर लिया गया और उस महिला को गैर कानूनी काम के लिए अरेस्ट कर लिया गया। नंबर थ्री, दोस्तों ये बात साल 2015 की है, जब एक आदमी चाइना के एयरपोर्ट पर आईफोन स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया। इस आदमी पर कस्टम अधिकारियों को उस वक्त शक हुआ जब ये आदमी एयरपोर्ट पर कुछ अलग ढंग से चल रहा था, और जब इस आदमी के सामान की तलाशी ली गई तो उसमें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जब इस आदमी को मेटल डिटेक्टर से पास कराया गया तो तलाशी के बाद इस आदमी के पास 94 आईफोन मिले, जिसे उसने प्लास्टिक बैग में लपेट कर अपनी पूरी बॉडी पे चिपकाया हुआ था। और पूछताछ के दौरान उस आदमी ने बताया कि वो उन सभी आईफोन्स को हांगकांग से चाइना बेचने के लिए ले जा रहा था, जिसके बाद उस आदमी को स्मगलिंग करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। नंबर फोर, दुबई एयरपोर्ट पर एक कपल को अरेस्ट किया गया जो कि कुछ और नहीं बल्कि अपने बच्चे को ही बैग में भरकर ले जा रहे थे। जब जांच पड़ताल हुई तो उन्होंने कहा कि इस बैग में इस बच्चे को भरने का कारण यह था कि उनके पास इस बच्चे का वीजा नहीं था। नंबर फाइव, दोस्तों ये बात साल 2006 की है, जब फ्लोरिडा एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के दौरान एक महिला के सूटकेस में एक ह्यूमन स्कल पाया गया। और जब उस महिला से पूछा गया तो पता चला कि वो महिला अमेरिका की रहने वाली थी और वो काला जादू जानती थी, और जिसकी वजह से वो ह्यूमन स्कल को अपने पास रखते थे। वो इसे केप टाउन ले जाना चाहती थी, जिसके बाद उस महिला को स्मगलिंग के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। तो दोस्तों, अगर कभी आपने एरोप्लेन में सफर किया है तो हमें कमेंट सेक्शन में यस लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलें सबसे पहले। धन्यवाद।